हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ काफी अरसे के बाद। चल मेरा पुत्र छोटी कार। आज हम करेंगे सेल्फ रोस्टिंग, मतलब अपनी पुरानी वीडियोस देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे कि भाई साहब अपने क्या चार चवली मारी है। ओके। उस दिन काफी मार खाने के बाद दर्जी स्ट्राइकर के दिल में एक ही ख्याल रहता था कि कैसे वो शेख साहब से बदला ले सकता है, कैसे उनको सबक सिखा सकता है। और ये जानने के लिए इस पार्ट को देखते रहें। शुरू होगी। यार वीडियो तो हम पूरी देख लें, लेकिन वीडियो में देखेंगे क्या? स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन। चुप कर बे कुत्ते। तो वीडियो शुरू होती है इस 2 साल पुराने वोल्केनो स्ट्राइकर्स के छोटे मुंह से। ये वही छोटा मुंह है जिसके पीछे बंदे हाथ धोए बगैर पड़ गए थे। वैसे तो बंदे हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे हाथ धोए बगैर पड़ गए। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो भाई मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, वहाँ पीछे एक बच्चा झूले को ठुडे छुडे मार रहा होता है। इतने में ही ये छोटा चिड़कुट उठ के आता है और इसको उठा के ले जाता है भाई बाबा जी के पास। भाई सब कुछ छोड़ो, एक दफा इस बाबा जी को देखो। इसी तरह के बाबा होते हैं जो मुंह से स्टिंग पी के नाक से बाहर निकाल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं वी आर नॉट छपरी। इसी तरह का बाबा होता है जिनसे लोग बाबा कत्ल करने का तरीका मांग रहे होते हैं। भाई साहब सब कुछ ठीक है, आते हुए एक बंदा तो लुढ़क गया, लेकिन दूसरे बंदे को पता क्या हुआ है? दूसरा बंदा कह रहा है भाई इसने तनख्वाह तो देनी नहीं है वीडियो की, मुफ्त में वीडियो बनवा रहा है, थोड़ी देर बैठ ही जाता हूँ भाई साहब। टोपी संभाल के हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो भाई साहब सब कुछ छोड़ो, एक दफा इस भूत को देखो। ये तो फिर भी ठीक है, एक दफा इसको देखो। इसी तरह के भूत होते हैं जिन्हें बंदा अपने साथ घसीट के ले जाता है और फेंक देता है। उस्ताद एक ही कित्ता है। मैं एक कित्ता है। वो की कर रहे थे? तो भाई साहब आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले साल बाद। अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।